यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 2020-21 की टैरिफ में बिजली दर बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर करीब 13,337 करोड़ रुपए पहले का निकल रहा है। इसका लाभ जब तक बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलता तब तक कैरिंग कास्ट यानी 13-14% ब्याज जुड़ेगा। परिषद अध्यक्ष के मुताबिक इस राशि का लाभ अगर उपभोक्ताओं को दिया जाएगा तो अगले 5 साल तक बिजली दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। इस प्रकार बिजली कंपनियों पर 2020-21 में फिर से उपभोक्ताओं का लगभग 800 करोड़ रुपए से ज्यादा निकल रहा है। इस धनराशि का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। टैरिफ ऑर्डर में आयोग ने बिजली कंपनियों के 4500 करोड़ रुपए के गैप को खारिज कर दिया है। गोरखपुर जिले का नया टेराकोटा, सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल, वाराणसी के मशहूर सिल्क का स्टॉल, लखनवी चिकन कुर्ता, मुजफ्फरनगर का गुड़, सहारनपुर का वुडन क्राफ्ट, कन्नौज का इत्र, प्रतापगढ़ का औषधीय गुड़ों वाला आंवला, चंदौली की जरी दर्जोजी, मुरादाबाद का ब्रास बाउल, प्रयागराज का बास्केट, इनसे सजा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP का गिफ्ट हैम्पर इस दीपावली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देश के कुछ खास लोगों को भेजा जाएगा। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कुछ चुनिंदा लोग शामिल हैं। इस गिफ्ट बास्केट के जरिए ये लोग भी यूपी के ODOP उत्पादों की खासियत से वाकिफ हो सकेंगे। यूपी में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 6 सीटें बीजेपी और 1 सीट SP के खाते में गई है। चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि विकास के लिए वह लगातार वचनबद्ध रहेंगे। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, उपचुनाव में समर्थन देने वाले सभी मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद, विकास के लिए हम निरंतर वचनबद्ध रहेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में एकमात्र जौनपुर जिले की मलनी सीट पर जीत नसीब हुई है। यहां पर सपा प्रत्याशी लकी यादव ने जीत दर्ज की। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से सटे 17वीं सदी की ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए एक मुकदमे की सुनवाई होनी है। अगले हफ्ते होने वाली इस सुनवाई से पहले ऑल इंडिया बॉडी ऑफ प्रिस्ट यानी पुरोहितों के संगठन और एक सामाजिक संगठन ने बुधवार को इस मामले में पक्षकार बनने की कोर्ट में अपील दी है। जिला जज की अदालत में 2 आवेदनों में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा और माथुर चतुर्वेदी परिषद ने कटेश केशव देव मंदिर के भीतर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका की निंदा करते हुए तर्क दिया कि यह मुद्दा शहर में सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकता है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने शहर के शांतिपूर्ण माहौल के लिए यथास्थिति बने रहने की कामना करते हुए कहा कि लोग खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं, साथ ही मंदिर मस्जिद मुद्दे की बजाय विकास और रोजगार सृजन चाहते हैं। राजधानी लखनऊ में अब तारों का मकड़जाल नहीं दिखेगा। यहाँ के 31 रास्तों को स्मार्ट बनाने की तैयारी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत कैसरबाग और अमीनाबाद समेत कई इलाकों की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। इन इलाकों में कुल 31 रास्तों पर 25 किलोमीटर लंबाई में ट्रेंच बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के पुराने इलाकों में ट्रेंच बनाने के लिए 286 करोड़ का बजट तय किया गया है। बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट के तारों के साथ PNG लाइन भी ट्रेंच में शिफ्ट की जाएगी। इससे इन रास्तों पर तारों का मकड़जाल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और बाजार खुले खुले नजर आएंगे।